टेग्नोमेट्री हम यहां पर डिस्कस करेंगे और हमें यहाँ पे ये यह मान के चल रहा हूँ कि आप लोग टिक्नोमेट्री पहले से ही कर चुके हैं आपको बेसिक्स क्लियर हैं हमें सिर्फ एक रिविजन की जरूरत है सो लेट स्टार्ट ये कुछ बेसिक फॉर्मूलाज जो हम लोग आ, आ, सीख चुके हैं पहले से ही तो आप जस्ट इनको एक बार रिवाइज कर लीजिए स्क्रीन पॉज करके अगर कभी भी हमें एक राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर एक राइट एंगल ट्राइंगल में अगर हमें कभी भी जैसे तीन साइड हमें दी हुई हैं दिस इज अ राइट एंगल ट्राइंगल एट ए तो ये हमेशा याद रखिए कि राइट एंगल ट्राइंगल के जो सामने की साइड होती है दर इज अ लॉन्गेस्ट साइड और उसी को हम हाइपोटेन्यूस बोलते हैं एंड जो भी एंगल हम लोग कंसिडर कर रहे हैं से अगर हम सी को एंगल कंसिडर कर रहे हैं तो एंगल की जो सामने की साइड होती है उसको हम परपेंडिकुलर बोलते हैं और जो थर्ड लेफ्ट साइड होती है उसको हम बेस बोलते हैं तो इस तरीके से अगर हम चलते हैं तो हम लोग ये सभी रेशो साइन बी कॉस सी टेन बी ये सब कैलकुलेट कर सकते हैं तो जैसे इसका ही सॉल्यूशन कुछ ऐसे होगा साइन बी सी अपॉन बीसी ट्वेल्व अपॉन थर्टीन क्योंकि एंगल बी के लिए दिस विल बी एंड पर हम लोग पाइथागोरस थ्योरम हम लोग पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हैं थर्ड साइड को फाइंड आउट करने के लिए अगर हमें नहीं दी हुई है यहां पे हमें तीनों साइड दी हुई है तो इसलिए हमें कोई जरूरत नहीं है ये क्वेश्चन आप खुद से करके देखिए यहां पे आपको पाइथागोरस थ्योरम यूज करनी पड़ेगी सोल्यूशन टू फोर कैलकुलेट करते हैं कैलकुलेट कर सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कभी कभी हमें साइन थीटा दिया जाता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो ऐसे केस में आप एक राइटेंगल ट्राइंगल ड्रॉ करके परपेंडिकुलर uh, को ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एज्यूम कर सकते हैं एंड हाइपोटेन्यूज को ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एज्यूम कर सकते हैं तो so देन उस तरीके से आप बेस यहाँ पे जो बेस है ए बी है तो उसको आप फाइंड आउट कर सकते हैं आप देखते हैं कि यहाँ पे आ, हम लोगों के पास ये इक्वेशन आ जाती है और इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम लोग ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर उसको कैपिटल ए मान लेते हैं और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर उसको हम कैपिटल बी मान लेते हैं तो ये सिंपली फॉर्मूला बन जाता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दैट इज ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी आइडेंटिटी सो वी कैन अप्लाई द फॉर्मूला और वी कैन ओपन दिस बट वो थोड़ा सा लेंथी होगा तो इसीलिए वी कैन यूज आइडेंटिटी जितना ज़्यादा आप आइडेंटिटीज को यूज करेंगे आपकी कैलकुलेशन उतनी आसान हो जाएंगे तो यहाँ पे अगर हम आइडेंटिटी को यूज़ करते हैं ए प्लस बी विल बी इक्वल टू टू ए स्क्वायर एंड ए माइनस बी विल बी इक्वल टू टू बी स्क्वायर तो इस तरीके से दिस होल विल रिड्यूस टू फोर ए स्क्वायर बी स्क्वायर एंड देन टू ए बी होल स्क्वायर तो ए बी विल बी इक्वल टू टू ए बी अगर अभी दिया हुआ है टेन ए इज इक्वल टू दिस इज लिटल बिट रॉन्ग दिस इज टेन ए इज इकल टू रूट टू माइनस वन तो आप इसको कभी भी टेन ए इज इकल टू रूट टू माइनस वन अपॉन वन पुट कर सकते हैं दसवल्पे द बेस एंड दसवल्पे दर्पेंडिकुलर तो अगर हम एक ट्राइंगल ड्रॉ करते हैं जिसमें रूट टू माइनस वन इज द परपेंडिकुलर एंड वन इज द बेस सो पैथागरस थेरम से हम लोग इसको कैलकुलेट कर सकते हैं यहां पर अगर हम रूट टू माइनस वन का होल स्क्वायर ओपन करते हैं तो कभी कभी स्टूडेंट ये मिस्टेक कर देते हैं कि रूट टू माइनस वन का होल स्क्स एंड रॉन्ग क्योंकि हमें यहां पर हम जानते हैं कि ए माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी तो इसलिए हमें वही फॉर्मूला यूज करना चाहिए सो दिल बिकम फोर माइनस टू रूट टू एसी विल बी अंडर रूट फोर माइनस टू रूट टू एंड देन फर्दर तो आप सोल्व कर ही सकते हैं खुद ट्राई करके नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आपको ये दिया हुआ है इस गिवन फिगर में कि ए डी इज इक्वल टू डी बी एंड एंगल बी इज द राइट एंगल ट्राइ तो आपको कॉस थीटा डिटरमिन करना है तो हम सबसे पहले यह देखते हैं कि हमें जो डिटर्मिन करना है वो कैसे आएगा तो कॉस्ट थीटा हम देखते हैं कॉस्ट थीटा विल बी इक्वल टू बी सी अपॉन सी डी हमें ना तो बी सी का पता है और ना ही सी डी का पता है तो इसका वाला हमें दोनों ही कैलकुलेट करने पड़ेंगे बी सी कैलकुलेट करने के लिए हम बड़ा ट्राइंगल यानी ए बी सी राइट एंगल ट्राइंगल को ले लेते हैं तो देन हमें बी सी मिल जाता है अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अब हमारा जो नेक्स्ट टारगेट है दैट इज सी डी सी डी कैलकुलेट करने के लिए हम लोग ट्राइंगल बी सी डी को ले सकते हैं और इस ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके जैसे हमने यहाँ पे की है हम लोग सी डी कैलकुलेट कर सकते हैं जब भी हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं जैसे इसको हम अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे कैलकुलेशन कुछ इस तरह से होगी सी डी स्क्वायर सबसे पहले हम इसका स्क्वायर ओपन करेंगे दैट विल बी बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एंड देन इसका स्क्वायर ओपन करते हैं तो ए स्क्वायर बाय फोर यहां पे हमें सबसे पहले एल सी एम लेना चाहिए तो फोर फोर बी स्क्वायर माइनस फोर ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एंड दैट बिकम्स फोर बी स्क्वायर माइनस थ्री ए स्क्वायर अपॉन फोर तो इस तरीके से हम सी डी इज इकल टू हो जाता है अंडर रूट फोर बी स्क्वायर माइनस थ्री ए स्क्वायर अपॉन टू तो इस तरह से हम सी डी को कैलकुलेट कर सकते हैं ये कुछ ट्रिक्स हैं जो आप अप्लाई कर सकते हैं अगर आपके सामने दिया हुआ है साइने प्लस कौसे अपॉन साइन ए माइनस कॉसे लेकिन आपको जो वैल्यू दी है वो वैल्यू कॉटे की वैल्यू दी हुई है तो आपको जरूरी नहीं है कि पहले आप कॉटे से साइने और कॉसे कैलकुलेट करें आप लोग थोड़ा सा ट्रिक यूज करके पूरी इक्वेशन को काटे में लेके आ सकते हैं जैसे अगर आप ऊपर नीचे साइने से डिवाइड कर देते हैं तो देन द होल थिंग बिकम्स वन प्लस कॉटे अपॉन वन माइनस कॉटे और फिर आप कॉटे की वैल्यू पुट करके इसको सॉल्व कर सकते हैं अगर आपको दिया है टेन थीटा प्लस वन अपॉन टेन थीटा इज टू टू तो ये कुछ एक स्पेसिफिक इक्वेशन है क्योंकि हम लोग ये जानते हैं कि अगर ये इक्वेशन हम ए प्लस बी इक्वल टू टू से कंपेयर करते हैं तो यहां पर एक खास बात ये है कि ए बी इक्वल टू वन टें थीटा इंटू वन अपॉन टेन थीटा इज इक्वल टू वन तो इसीलिए जब हम इसका स्क्वायर करते हैं तो 2 10 थीटा 1 10 थीटा दैट बिकम्स 2 एंड दैट इज इक्वल टू 4 तो इससे हम 10 स्क्वायर थीटा प्लस 1 10 स्क्वायर थीटा की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं ये थोड़ा सा स्मार्ट तरीका है एक दूसरा तरीका भी है इसको चेक करने का देखिए कैसे हम लोग 10 थीटा की वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हैं 10 थीटा 1 10 थीटा 2 तो अगर हम इससे देखते हैं एलसीएम लेते हैं तो देन टेन थीटा एंड दस इज टेन स्क्वायर थीटा प्लस वन इज इक्वल टू टू सो दैट मीन्स टेन स्क्वायर थीटा प्लस वन इज इक्वल टू टू टेन थीटा दैट मीन्स टेन स्क्वायर थीटा माइनस टू टेन थीटा प्लस वन इज इक्वल टू जीरो दैट मीन्स टेन थीटा माइनस वन whole square is equal to zero. That means tan theta is equal to one. और फिर अगर हमें tan square theta plus वन upon tan square theta इसकी value को calculate करना है तो that becomes वन square plus वन upon वन square यानी वन plus वन is equal to टू तो इस तरीके से भी हम लोग uh, method adopt अडॉप्ट कर सकते हैं अगर आपको दिया हुआ है कि आ, एंगल बी एंड एंगल क्यू आर एक्यूट एंगल्स लेकिन आपको ये नहीं दिया है कि ये दोनों के दोनों सेम ही ट्राएंगल के एंगल्स हैं तो देन आपको दो अलग अलग ट्राइंगल्स राइट एंगल ट्राइंगल एज्यूम करने चाहिए इसमें हम प्रोसीड कैसे होते हैं साइन बी इज इकल टू साइन क्यू दिया है तो हमें प्रूव करना है कि एंगल बी इज इकल टू एंगल क्यू यहां पे साइन बी इज इकल टू ए सी अपॉन ए बी एंड साइन क्यू इज इकल टू पी आर अपॉन पी क्यू दोनों अलग अलग ट्राइंगल्स हैं तो साइन बी इज इकल टू साइन क्यू दिया बी इज इक्वल टू पी आर अपॉन पी क्यू मान लीजिए वो K -K है. एक के इक्वल है और तीसरी साइड हमें पहले प्रूव करना पड़ेगा कि वो भी रेशो में है यानी उनकी रेशो भी के आती है तो ए सी इज इगल टू के पी आर ए बी इज इगल टू के पी क्यू यहां पर हम पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हैं अगर हम थ्योरम यूज करते हैं तो BC हम कैलकुलेट कर सकते हैं एंड क्यू आर भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं तो बी सी अपॉन क्यू आर अगर हम कैलकुलेट करते हैं कुछ इस तरीके से ए बी और ए सी की वैल्यू पुट कर देते हैं तो दैट कम्स टू के तो इस तरह से हम प्रूव कर सकते हैं कि ये आ, सभी साइड्स रेशियो में है एंड द रेशो इज इक्वल टू के तो इसका मतलब दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाते हैं और दो सिमिलर ट्रायंगल में हम जानते हैं कि हमेशा एंगल इक्वल होते हैं तो इस तरह से हम बोल सकते हैं कि एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू लॉजिकली आप इस क्वेश्चन को एक ही ट्राइंगल के दो एंगल्स मान के करेंगे तो देन दोनों एंगल सिर्फ एक ही कंडीशन के लिए इक्वल होंगे जब एंगल 45 डिग्री होगा तो इसीलिए हमें इस क्वेश्चन को दो अलग अलग ट्राइंगल लेके ही करना चाहिए ये कुछ एंगल्स की वैल्यू जो हम लोगों ने स्टडी की है और ये आपको याद होनी चाहिए सभी के सभी जहां पे नॉट डिफाइंड लिखा है दैट मीन्स इनफाइनाइट यहां पे भी कुछ ट्रिक्स जैसे अगर हम हमें कहीं पे दिया हुआ है टू साइन टू थीटा इज टू रूट थ्री तो देन साइन टू थीटा विल बी इक्वल टू रूट थ्री बाय टू दैट इज साइन सिक्सटी तो इस तरीके से हम टू थीटा टू सिक्सटी कंपेयर कर सकते हैं एंगल को यहां पे हम अगर आप इसको ऐसे कर देंगे तो ये गलत हो जाएगा हम कभी भी साइन से साइन कट नहीं कर सकते टू थीटा इज इकल टू सिक्सटी डिग्री हम जस्ट एंगल को कंपेयर कर रहे हैं सो थीटा विल बी इक्वल टू थर्टी डिग्री अगर हमें दिया है टेन थीटा प्लस और थीटा इज इकल टू टू दैट इज एज गुड एज टेन थीटा प्लस वन अपॉन्ट टेन थीटा इज इकल टू टू तो हमने अभी देखा कि अगर हम इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो टेन थीटा इज इकल टू वन आ जाता है ये जस्ट एक दूसरा तरीका है उसी इक्वेशन को लिखने का अगर हमें दिया है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन थीटा प्लस साइन थीटा वन माइनस रूट थ्री अपॉन वन प्लस रूट थ्री तो यहाँ पे हम लोग इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास दो तरीके हैं पहला है कि आप इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं और सॉल्व कर सकते हैं उसमें गलती होने के चांसेस भी हैं कैलकुलेशन भी काफी बड़ी है और दूसरा तरीका है हम कॉम्पोनेंट और डिविडेंडो यूज़ कर सकते हैं कॉम्पोनेंट और डिविडेंडो क्या होता है अगर आपको दिया है ए अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी दैट मीन्स ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी इज इक्वल टू सी प्लस डी अपॉन सी माइनस डी ये एक रेशियो का रूल है इसको हम कॉम्पोनेट और डिविडेंडो बोलते हैं तो अगर हम कॉम्पोनेट और डिविडेंडो यूज करते हैं तो देन ये इक्वेशन रिड्यूस होकर काफी छोटी हो जाती है अगर आपको कहीं पे दिया है साइन थीटा इज इक्ल टू कॉस्ट थीटा तो ये इक्वेशन आपको क्या बताती है अगर आप कॉस्ट थीटा से दोनों तरफ डिवाइड कर देते हैं तो साइन थीटा अपॉन कॉस् थीटा विल बी इक्वल टू वन दैट मीन्स टेन थीटा इज इक्वल टू वन और टेन थीटा वन होता है फोर्टी फाइव डिग्री पे तो अगर हम दोनों एंगल को कंपेयर करते हैं तो थीटा विल बी इक्वल टू फोर्टी फाइव डिग्री अगर आपको दिया है साइन ए प्लस बी इज टू वन एंड कॉस ए माइनस बी इज टू रूट थ्री बाय टू तो हम एंगल्स के लिए कैसे सॉल्व करते हैं वो देखते हैं साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू वन दैट इज साइन नाइनटी डिग्री अगर हम एंगल को कंपेयर करते हैं तो ए प्लस बी Will be equal to 90 degree and cos a minus b is equal to root 3 by 2 that is cos 30 degree अगर हम yahan pe एंगल को कंपेयर करते हैं तो a minus b will be equal to 30 degree दिस is इक्वेशन नंबर वन दिस is इक्वेशन नंबर टू अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं यानी जैसे अगर हम ऐड कर सकते हैं इन दोनों इक्वेशंस को सो टू ए विल बी इक्वल टू 120 डिग्री एन एंगल ए विल बी इक्वल टू सिक्सटी डिग्री इसी तरह से अगर हम एंगल ए की वैल्यू को में कर देते हैं तो सिक्सटी प्लस बी विल बी इक्वल टू नाइनटी डिग्री एंगल बी विल बी इक्वल टू थर्टी डिग्री तो इस तरह से हम ए और बी को कैलकुलेट कर सकते हैं रॉम्बस रॉम्बस की ये प्रॉपर्टीज होती हैं कि, हमेशा यह याद रखिए कि रॉम्बस के दोनों डायगेल्स एक दूसरे को परपेंडिकुलरली बायसेक्ट करते हैं मतलब ये दोनों पार्ट्स इक्वल हैं ये दोनों पार्ट्स इक्वल हैं और साथ में ये एंगल भी 90 डिग्री है तो इसीलिए हम यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम और टिग्नोमेट्री अप्लाई कर सकते हैं जैसे अगर हमें ये साइड दी है ए बी मान लीजिए हमें ए ओ निकालना है तो देन इस ट्राइंगल में एंगल ए यानी कॉस ए विल बी इक्वल टू अपॉन ए बी तो दैट मीन्स कॉस्ट थर्टी विल भी इक्वल टू ए ओ अपॉन ट्वेंटी एंड कॉस्ट थर्टी होगा रूट थ्री बाय टू इज इक्वल टू ए ओ अपॉन ट्वेंटी दैट मीन्स ए ओ विल बी इक्वल टू टेन रूट थ्री सेंटीमीटर यूनिट आप हमेशा मैंशन कीजिएगा अगर आपको दी हुई है अदरवाइज आप यूनिट भी लिख सकते हैं तो देन दिस विल भी ओ e और इसी तरीके से हम बी ओ भी निकाल सकते हैं साइन ए के फॉर्मूला से अगर कोई इक्विलेटर ट्रायंगल है किसी भी सर्कल में तो इक्विलेटर ट्रायंगल की ये प्रॉपर्टीज होती हैं कि जैसे अगर ये सर्कल का सेंटर है सर्कल का सेंटर ओ है तो इक्विलेटर ट्रायंगल में जो मीडियन होता है वही परपेंडिकुलर भी होता है सो विल बी परपेंडिकुलर और सर्कल का जो सेंटर होगा वो इस इक्विलिटल ट्रायंगल के मीडियन पे लाई like करेगा तो so देन अगर ये रेडियस आर है दिस इज ऑल्सो रेडियस आर तो यहाँ पर हम कुछ फार्मूला ऐसे लगा सकते हैं अगर इक्विलेटर ट्राइंगल की साइड मान लीजिए हमें टू एक्स दी हुई है तो देन दिस पार्ट विल बी एक्स एंड दिस पार्ट विल बी एक्स क्योंकि ये मीडियम है तो दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगी एंड दिस विल ऑल्सो बी टू एक्स तो अगर हमें निकालना है कि बी ओ कितना होगा तो हम कॉस uh, 30 डिग्री का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं दैट इज एक्स अपॉन आर तो आर विल बी इक्वल टू एक्स अपॉन कॉस थर्टी यानी एक्स अपॉन रूट थ्री बाय टू दैट इज टू एक्स अपॉन रूट थ्री तो इस तरीके से हम लोग रेडियस कैलकुलेट कर सकते हैं अगर हमें ओ डी कैलकुलेट करना है तो ओ डी कैलकुलेट करने के लिए हम साइन थर्टी विल बी इक्वल टू ओ डी अपॉन आर That means R is equal to OD upon sin 30. Uh, sorry. OD will be equal to R sin 30. And now we have R is 2x by root 3 into 1 by 2. So that is x by root 3. तो इस तरीके से हम ओडी भी कैलकुलेट कर सकते हैं एंड देन टोटल एडी विल बी इक्वल टू आर प्लस एक्स अपॉन रूट थ्री अगर कहीं पे हमें ऐसा दिया हुआ है कि अल्फा प्लस बीटा माइनस गामा इज इक्वल टू थर्टी डिग्री ये जस्ट एक ट्रिक है जो हम लोग यूज कर रहे हैं एंड बीटा प्लस गामा माइनस अल्फा इज इक्वल टू सिक्सटी डिग्री गामा प्लस अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू फोर्टी फाइव डिग्री तो यहां पर आप कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले इन तीनों का सम कर दीजिए अगर आप इन तीनों का सम करेंगे सिमेट्रिकल इक्वेशन होने की वजह से गामा एंड गामा कैंसिल आउट एल्फा एंड एल्फा कैंसिल आउट बीटा एंड बीटा कैंसिल आउट सो लेफ्ट ओवर विल बी एल्फा प्लस बीटा प्लस गामा विल बी इक्वल टू 135 डिग्री मान लीजिए इक्वेशन नंबर वन है ये इक्वेशन नंबर टू है ये इक्वेशन नंबर थ्री है दिस इज इक्वेशन नंबर फोर अगर हम इक्वेशन नंबर फोर में से इक्वेशन नंबर वन को माइनस कर देते हैं तो देख एल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस जब भी कभी आप एक बड़ी इक्वेशन को यूज करते हैं तो हमेशा उसको स्मॉल ब्रैकेट में रखिए नहीं तो आप हमेशा साइन के मिस्टेक कर देंगे एल्फा प्लस बीटा माइनस गामा इज इक्वल टू 135 थर्टी माइनस थर्टी सो देन जस्ट बिकम्स अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस अब देखिए हम जब ब्रैकेट को ओपन कर रहे हैं तो हम साइन के मिस्टेक नहीं कर पाएंगे क्योंकि यहां पे ब्रैकेट में हमने इसको पोट किया है वन नॉट फाइव अल्फा एंड एल्फा गेट कैंसल आउट बीटा एंड बीटा कैंसिल आउट सो टू गामा इज इक्वल टू वन नाट फाइव गामा बिकम्स फिफ्टी टू पॉइंट फाइव डिग्री इसी तरह से जब आप इक्वेशन फोर में से इक्वेशन टू को माइनस करेंगे तो तब आपको एल्फा मिल जाएगा दिस विल प्रोड्यूस एल्फा और अगर आपको गामा चाहिए तो गामा के लिए आप अल्फा और बीटा की वैल्यू को इक्वेशन फोर में पुट कर सकते हैं यू विल गेट गामा ये कुछ फॉर्मूलाज जो हम लोगों ने पहले भी स्टडी किए हैं तो जस्ट आपके रिवीजन के लिए अगर हम इस क्वेश्चन में देखते हैं तो साइन 47 सेवन हम सबसे पहले जब हमें ये क्वेश्चन दिया हुआ है तो हमें जितने भी एंगल्स हैं हमें पहले उनको पेयरिंग करना है जिनका सम 90 डिग्री आता है हम देखते हैं कि 47 सेवन प्लस फोर्टी थ्री दैट इज नाइन्टी डिग्री फोर्टी थ्री प्लस फोर्टी सेवन दैट इज नाइन्टी डिग्री एंड फोर्टी फाइव हालांकि एक ही एंगल है लेकिन फोर्टी फाइव की हमें वैल्यू पता है इसलिए हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है अगर हम फोर्टी सेवन एंड फोर्टी थ्री की बात करते हैं तो हमें किसी एक को मेंटेन करना है और दूसरे को कन्वर्ट uh, कर देना है तो देन साइन 90 माइनस फोर्टी सॉरी दिस शुड बी 90 माइनस फोर्टी सो साइन 90 माइनस फोर्टी हमने कॉस 43 को मेंटेन किया और 47 को कन्वर्ट कर दिया 43 में 90 माइनस फोर्टी कभी कभी यहां पे स्टूडेंट क्या मिस्टेक करते हैं कि साइन 47 तो उसको वो कॉस 90 माइनस फोर्टी लिख देते हैं दैट इज रॉन्ग तो इसीलिए आप ये गलती मत कीजिएगा दिस विल स्टिल रिमेन साइन 90 माइनस फोर्टी जब आप इसको फर्दर कन्वर्ट करेंगे तो अब जब आप 90 को एलिमिनेट करते हैं तब यह कन्वर्ट हो जाता है कॉस 43 में तो कॉस 43 थ्री अपॉन कॉस फोर्टी होल स्क्वायर प्लस इसी तरह से यहां पर साइन 47 सेवन अपॉन साइन फोर्टी होल स्क्वायर माइनस फोर कॉस स्क्वायर फोर्टी सो दिस बिकम्स वन प्लस वन माइनस यहां पे भी कभी कभी स्टूडेंट ये मिस्टेक करते हैं कि वन प्लस वन टू एंड टू माइनस फोर इज माइनस टू दैट इज रॉन्ग आपको सबसे पहले बोर्ड मास अच्छे से आना चाहिए बोर्ड मास जो हम लोग लोअर क्लासेज में पढ़ते हैं उनकी एप्लीकेशंस हायर क्लासेस में परफेक्टली होनी चाहिए तो हम सबसे पहले मल्टीप्लाई को सॉल्व करेंगे वन अपॉन रूट टू का होल स्क्वायर इज वन बाई टू सो दिस विल बी समथिंग लाइक दिस वन प्लस वन माइनस फोर इन वन बाय टू कैंसल आउट सो दिस बिकम्स वन प्लस वन माइनस टू एंड 0 इज जीरो तरीके से हम इन equations को solve करते हैं अगर हम इस क्वेश्चन की बात करते हैं टेन वन डिग्री टेन टू डिग्री टेन थ्री डिग्री एंड सोन अपू टेन एटी नाइन डिग्री इज टू वन तो यहां पर इसको सॉल्व करने के लिए यहां पे हाफ एंगल्स यानी जैसे वन डिग्री है तो हम देखते हैं कि वन प्लस एटी नाइन सम इज 89 से पहले होगा इज 90 थ्री प्लस एटी is 90. तो हम ऐसे सभी एंगल्स के पेयर कलेक्ट कर लेते हैं किसी एक को मेंटेन करके दूसरे को कन्वर्ट कर देते तो जैसे वन डिग्री नाइन्टी माइनस एटी नाइन ऐसे टू डिग्री माइनस एटी एट और यहां पर हम लोगों ने एटी नाइन एटी एट इन सबको मेंटेन किया है तो दिस बिकम्स कॉट एटी नाइन कॉट एटी एट कॉट एटी से एंड टेन एटी सेवन टेन एटी एट टेन एटी नाइन ये मेनटेन्ड एंगल है हम लोग जानते हैं कि टेन एटी नाइन टेन थीटा इंटू कॉट थीटा टेन थीटा इंटू कॉट थीटा दैट विल बी इक्वल टू वन इसी तरह से कॉट एटी एट इंटू टेन एटी एट विल बीवल टू वन कॉट एटी इक्वल टू वन तो इन सब की पेयरिंग हम लोग uh, ये सभी पेयर्स कलेक्ट कर लेते हैं और बीच में हमारे पास एक एंगल रह जाता है दैट इज टेन फोर्टी फाइव लेकिन उसकी वैल्यू हम लोगों को मालूम है दैट इज वन वन इंटू वन इंटू वन एंड सो ऑन दैट विल बी इक्वल टू वन तो इस तरीके से ये प्रूव हो जाता है ये एक स्पेशल क्वेश्चन कॉस वन डिग्री टू डिग्री थ्री डिग्री यहां पे हमें आ, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है क्योंकि जहां पे बीच में एक एंगल आएगा जिसको हम कॉस नाइंटी डिग्री तो कॉस नाइन्टी डिग्री पे कॉस नाइंटी डिग्री इज जीरो स जीरो मल्टीप्लाइड बाई एनी विल बी इक्वल टू जीरो तो इस तरीके से हमें किसी को भी किसी में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है आंसर विल बी जीरो अगर आपको दिया है ए प्लस बी इज इक्वल टू नाइन्टी डिग्री ऐसा होता है नॉर्मली राइट एंगल ट्रा में कि एक एंगल 90 डिग्री हो जाता है तो बाकी दोनों एंगल का सम नाइन्टी डिग्री होता है अगर आपको एल एच एस दिया है दिस मार्च तो यहां पर जैसे मैंने आपको बताया कि हम एक एंगल को मेंटेन करते हैं और दूसरे को कन्वर्ट कर देते हैं हमने ए को मेंटेन किया और बी को 90 माइनस ए पुट कर दिया अभी भी टेन टेन ही है लेकिन जब हम 90 को एलिमिनेट करते हैं तो देन टेन विल गेट कन्वर्टेड टू कॉट तो टेन ए इंटू कॉट ए प्लस टेन ए इंटू टेन ए अपन साइन ए इंटू कॉस एक्नस कॉस स्क्वायर ए अपन टेन ए कॉस स्क्वायर ए सो देन कॉस स्क्वायर एंड कॉस स्क्वायर ए ये दोनों कैंसिल आउट हो जाते हैं टे एंड कॉटे एक दूसरे के रेसिप्रोकल है एंड साइन दोनों भी एक दूसरे के रेसिप्रोकल है।, so uh, है एक दूसरे को कैंसिल आउट करते हैं कुछ स्टूडेंट यहां पर यह मिस्टेक करते हैं कि टेन एंटू कॉटे इजिकल टू जीरो कर देते हैं जीरो नहीं होगा इट विल बी वन सो वन प्लस टेन स्क्वायरे एंड इनका डिनोमिनेटर वन है तो उसको हम नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा तो वन प्लस टेन स्क्वायर ए माइनस कॉज स्क्वायर एन से कॉज स्क्वायर ए कैंसिल आउट करने के बाद कुछ स्टूडेंट इसको भी जीरो कर देते हैं ये गलत है ये होगा वन सो वन प्लस टेन स्क्वायर ए माइनस वन वन एंड वन अगेन गेट कैंसिल आउट रह जाता है सिर्फ टेन स्क्वायर ए तो अंडरुड टेन स्क्वायर टू टेन एंड दैट इज आर एच एस अगर हमें कहीं पे दिया हुआ है से एक ट्राइंगल के तीन एंगल्स हैं ए बी सी तो देन हम उसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि बी प्लस सी इज इकल टू वन एटी माइनस ए क्योंकि हम जानते हैं ट्राइंगल में ए बी बी सी विल बाई टू अगर हम दोनों तरफ टू से डिवाइड करते हैं तो वन एटी बाय टू माइनस ए बाई टू एंड बी प्लस सी बाय टू अगर हम दोनों तरफ टेन ले लेते हैं तो टेन बी प्लस सी बाई टू विली माइनस ए बाई टू और हम जानते हैं कि टेन नाइन so अगर हमें दिया हुआ है साइन थीटा प्लस थर्टी सिक्स इज इक्वल टू कॉस थीटा तो कॉस को साइन में कन्वर्ट करने के लिए या फिर साइन को कॉस् में कन्वर्ट करने के लिए हम लोगों के पास जो मेथड है या तो हम साइन को कॉस्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं क्योंकि हम जानते हैं कि कॉस नाइन्टी माइनस थीटा इज इकल टू साइन थीटा तो इस पूरे एंगल को अगर हम एंगल ए मान लेते हैं तो इसको हम कुछ तो इसको हम कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं कि साइन ए सॉरी साइन ए विल बी इक्वल टू कॉस नाइन्टी माइनस ए अगेन हम देखते हैं ए एस थीटा प्लस थर्टी सिक्स जब भी प्लस या माइनस बीच में आता है वी ऑलवेज पुट ब्रैकेट सो कॉस नाइनटी माइनस थीटा प्लस थर्टी सिक्स इज इकल टू कॉस थीटा तो अब हम कंपेयर करते हैं एंगल को तो नाइनटी माइनस थीटा प्लस टू थीटा एंड जब हम इसको ओपन करते हैं तो यह जाता है नाइनटी माइनस थीटा माइनस थर्टी सिक्स इज इक्वल टू थीटा थीटा जब राइट हैंड साइड पे जाएगा तो प्लस हो जाएगा यानी टू थीटा एंड नाइन्टी माइनस थर्टी सिक्स इज फिफ्टी फोर डिग्री सो दे टू ट्वेंटी सेवन डिग्री इसको आप एक दूसरे तरीके से भी कर सकते थे अगर आपको ये कॉम्प्लेक्स लगा देखने में साइन थीटा प्लस थर्टी सिक्स विल बी इक्वल टू कॉस थीटा दैट इज साइन नाइन्टी माइनस थीटा इन दोनों में अगर आप एंगल को कंपेयर करते हैं तो थीटा प्लस थर्टी सिक्स इज इक्वल टू नाइन्टी माइनस थीटा दैट मीन्स टू थीटा इज ईकल टू नाइन्टी माइनस थर्टी सिक्स इज टू फिफ्टी फोर डिग्री और सेम कहानी आ जाती है ये कुछ कैलकुलेशन ट्रिक्स हैं जो मैं आप लोगों को दिखा रहा हूं यहां पे अक्सर स्टूडेंट गलतियां करते हैं तो इसलिए ये कैलकुलेशन मैं आप लोगों को दिखा रहा हूं ध्यान से देखिए कभी कभी पैथागोरस थ्योरम से किसी एक साइड को कैलकुलेट करने में हमें ये इक्वेशन यूज करनी पड़ती है तो इस इक्वेशन को यूज करने का तरीका यह है कि यहां पर बेस ट्वेंटी नाइन स्क्वायर दोनों जगह पे तो इसलिए आप न्यूमरेटर को कंबाइन कर सकते हैं ट्वेंटी वन स्क्वायर माइनस ट्वेंटी स्क्वायर अब यहाँ पे जो न्यूमरेटर है वहां पे हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मुला लगा सकते हैं ट्वेंटी वन प्लस ट्वेंटी इंटू ट्वेंटी वन माइनस ट्वेंटी एंड ट्वेंटी नाइन का स्क्वायर यहाँ पे हम कुछ नहीं कर सकते एट फोर्टी वन वैसे तो अगर हम करना चाहें तो यहाँ पे भी कैलकुलेशन को आसान कर सकते हैं दैट इज थर्टी माइनस वन होल स्क्वायर बट आपको अगर 29 नाइन इंटू करके आसान पड़ता है तो 841 और दिस इज एट फोर्टी वन 41 अपॉन so 841। अगर हम इसको समझना चाहें अंडर रूट अगेन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मुला यूज कर सकते हैं तो दिस विल गिव अंडर रूट फोर हंड्रेड एंड दैट इज ट्वेंटी यूनिट्स अगर हम लोग इसको समझना चाहें तो कुछ स्टूडेंट यहाँ पे कैसे कैलकुलेट करते हैं कि 25 फाइव इंटू वन सिक्सटी नाइन माइनस और उससे कैलकुलेशन के चांसेस एरर होने के चांसेस काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाते हैं आप यहाँ पे 25 कॉमन भी ले सकते हैं एंड देन रिमेनिंग विल बी 1 अपॉन 144 फोटी फोर माइनस वन अपॉन वन इसको हमें ब्रैकेट में पुट करना है क्योंकि 25 फाइव इस पूरे के साथ मल्टीप्लाइड है एंड देन उसके बाद अगर आप एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम कम्स टू वन फोर्टी फोर इंटू वन सिक्सटी नाइन एंड ऊपर आ जाता है वन सिक्सटी नाइन माइनस वन फोर यहां पे भी कुछ स्टूडेंट जल्दीबाजी करते हैं 144 को 169 से मल्टीप्लाई कर देते हैं एंड देन फिर उसको बाद में वापस सॉल्व करते हैं तो इससे अच्छा है कि हम अभी इसको मल्टीप्लाई ना करें 169 सिक्सटी नाइन माइनस वन वन फोर वन दैट विल गिव मी 25 तो ये हो जाता है 25 फाइव स्क्वायर दैट इज फाइव स्क्वायर इन फाइव स्क्वायर एंड वन इज ट्वेल्व स्क्वायर वन इज थर्टीन स्क्वायर मे बी ये पूरा का पूरा अगर बी सी स्क्वायर के इक्वल है तो आप यहीं से ही बिना फर्दर मल्टीप्लाई किए ये बोल सकते हैं कि बी सी विल बी इक्वल टू फाइव स्क्वायर इंटू फाइव स्क्वायर दो टर्म है तो एक टर्म बाहर आ जाएगी दैट इज फाइव स्क्वायर ट्वेल्व स्क्वायर अगेन ट्वेल्व स्क्वायर का अंडर रूट ट्वेल्व होगा और थर्टीन स्क्वायर का अंडर रूट थर्टीन होगा तो इस तरीके से आप बी सी कैलकुलेट कर सकते हैं बिना बहुत ज्यादा कैलकुलेशन uh, के यानी अगर हम जितना ज्यादा उसको कैलकुलेशन करेंगे जितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे डिवाइड करेंगे उतना ही एरर के चांसेस ज्यादा हैं तो इसीलिए आपको थोड़ा स्मार्टली इसमें बिहेव करना पड़ेगा अब हम लोग बात करते हैं यहां पर जैसे अंडर रूट टू माइनस वन नीचे अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो दस इज अंडर रोट टू माइनस वन टू तो हम आराम से कॉमन ले सकते हैं टू माइनस रूट टू लेकिन हमेशा याद रखिए कि टू इज ऑल्सो इक्वल टू रूट टू होल स्क्वायर तो इसका मतलब हम इसको लिख सकते हैं रूट टू माइनस वन अपॉन टू रूट टू होल स्क्वायर माइनस रूट टू यानी हम एक रूट टू भी कॉमन ले सकते हैं तो दिस इज टू रूट टू और यहाँ पे रह जाता है रूट टू माइनस वन ये दोनों कैंसिल आउट हो जाते हैं वन अपॉन टू रूट टू हम कभी भी डिनोमिनेटर को कॉम्प्लेक्स फॉर्म में नहीं छोड़ते हैं तो इसीलिए हम लोग उसको फर्दर रैशनलाइज कर सकते हैं रूट टू से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं यानी इनटर और डिनोमिनेटर में तो दिस बिकम्स रूट टू अपॉन फोर सो फाइनल आंसर विल बी रूट टू अपॉन फोर ये सिर्फ कैलकुलेशन हैं, जो मैं आपको दिखा रहा हूं जहां पे स्टूडेंट अक्सर गलतियां करते हैं और उनके मार्क्स डिडक्ट हो जाते हैं थ्री बाय फोर अपॉन वन प्लस थ्री बाय फोर होल स्क्वायर इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको डिनोमिनेटर को सिंपलीफाई करना पड़ेगा क्योंकि डिनोमिनेटर में प्लस होता है जब भी डिनोमिनेटर या न्यूमिनेटर में प्लस या माइनस होगा तो सबसे पहले हम प्लस या माइनस को सोल्व करते हैं तो कैसे सोल्व करते हैं दस बिकम्स वन प्लस नाइन बाय सिक्सटीन हम डिनोमिनेटर में एलसीएम uh, लेते हैं तो एंड दैट बिकम्स ट्वेंटी फाइव अपॉन सिक्सटीन एंड दिस इज थ्री बाय फोर यहां पे सॉल्व करने का तरीका ये होता है कि हमेशा इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं और 16 को 3 के साथ सो so देन 3 इंटू सिक्स अपॉन फोर इंटू ट्वेंटी सॉल्व कर सकते हैं यहां पे आप देख रहे हैं कि और दोनों में ही प्लस एंड माइनस है तो इसलिए हम उन दोनों को पहले इंडिविजुअली सॉल्व करेंगे एंड देन फिर हम उन दोनों को मिक्स uh, फॉर्म में सॉल्व करेंगे तो इसलिए हम पहले बॉर्ड अप्लाई करते हैं तो फोर इंटू फोर बाय थ्री तो हम सबसे पहले मल्टीप्लाई को सॉल्व करते हैं फाइव इंटू थ्री बाय फाइव सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं 5 and 5 गेट कैंसिल आउट दिस बिकम्स 16 बाई 3 माइनस 3 एंड इसी डेमोनेटर 5 बाई 3 प्लस 3. इनको हम LCM ले लेते एलसीन माइनस नाइन अपॉन 3 एंड फाइव प्लस दिस 3 अपॉन uh, 14 बाय 3. जैसे मैंने आपको बताया था ऊपर भी हम पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं और इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो दिस इस तो बिकम्स 7 इन Upon 14 14. 14 into 3, 3 and 3 and cancel out, 7 by 14. That is, हम 7 by by That is, अपॉन फोर्टीन इंटू थ्री थ्री एंड थ्री कैंसिलोर फ्रैक्शन ऐसी अगर हम इसको सोल्व करना चाहते हैं तो रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस ए बाय टू होल स्क्वायर सबसे पहले आप इस अंडर रूट को सोल्व करते हैं तो बी स्क् ए स्क्वायर और दिस बिकम ए स्क्वायर बाय फोर तो इसका फिर आप एलसीएम लेके इसको फर्दर सॉल्व कर सकते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ कैलकुलेशन दस यहां पे भी इस हैवी कैलकुलेशन को सॉल्व करने के लिए भी आपको बॉड अप्लाई करना पड़ेगा तो हम सबसे पहले वन बाई टू का होल स्क्वायर उसको सॉल्व करते हैं वन बाय फोर हम सबसे पहले इन सब को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं और इनको भी मल्टीप्लाई करते हैं सो दिस बिकम्स रूट थ्री बाय टू माइनस वन एंड देन फिर उसके बाद हम एल ले सकते हैं यहां पे भी न्यूमरेटर और डिनोमेटर को सॉल्व करने के लिए हमें सबसे पहले उनको आ, उनके प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन इन सबको सॉल्व करना पड़ेगा जब वो नॉर्मल फॉर्म में आ जाएंगे तब हम उनको फर्दर सॉल्व कर सकते हैं तो वन बाय टू माइनस वन प्लस टू वन बॉर्ड के अकॉर्डिंग हमें सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व करना है so this becomes 2 1 by 2 minus 1 plus 2 upon root 3 and root 3 cancel out 1 one will make no difference in denominator so answer will be इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग एलसीएम ले सकते हैं 2 1 minus 2 plus 4 एंड दैट इज 3 3 by 2 so answer is 3 by 2 ऐसे ही इसको सॉल्व करने के लिए हमें सबसे पहले इसको सिंपलीफाइड फॉर्म में लिखना पड़ेगा तो ये आप मुझे सॉल्व करके बताइए कि इसका आंसर क्या आएगा एंड आंसर इज फाइव बाई सिक्स टू माइनस रूट थ्री तो इसके साथ हम लोग टिग्नोमेट्रिक रेशियो का पार्ट खत्म हो जाता है नेक्स्ट वीडियो में हम लोग टिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज उनकी ट्रिक्स को सीखेंगे Bye bye and best of luck for your exams.